हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज हेमंत जैन। आज वक्रांजी के बारे में खबर आई है मनी कंट्रोल के ऊपर, तो वही आज बताने वाला हूं। और ये जो न्यूज़ है आप देख सकते हैं, वक्रांजी कम्स अंडर सेबी गवर्नमेंट स्कैनर आफ्टर पीडब्ल्यूसी फ्लैग्स कंसर्न्स। पीडब्ल्यूसी जो इनके ऑडिटर थे, प्राइस वाटर हाउस चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, उन्होंने कुछ कंसर्न्स जो है रेस की हैं उनके जो फाइनेंशियल बुक्स के बारे में। तो उसी के बाद जो है सेबी की और गवर्नमेंट की जो है इनके ऊपर कुछ इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, क्योंकि जब वो ऑडिटर थे उस टाइम पे वो ऑडिट करते थे और ये जो कंसर्न्स दिसंबर तक उन्होंने ऑडिट किया था और उससे पहले के भी वो करने वाले थे, लेकिन उसी के अंदर उन्हें लगा कि ये जो कंपनी है इन्होंने ज्वेलरी बिजनेस और बुलियन बिजनेस जो ये भी इनके कारोबार में था पहले शायद, तो उसी के बारे में इन्हें ऑडिटर को बरोबर जानकारी नहीं दी, और तो उसी के कारण जो इन्होंने कंसर्न्स जो है सेबी के सामने रखे हैं गवर्नमेंट के सामने। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा डिटेल्स दिया है। ऑडिटिंग मेजर प्राइस वाटर हाउस हैज़ क्विट ऑडिट मैंडेट ऑफ टेक्नोलॉजी फ्रॉम वक्रांजी लिमिटेड, flagging concerns to the corporate affairs ministry about the books of accounts mainly related to its bullion and jewellery business, even as the company denied any irregularities। कंपनी ने तो सारी डिटेल्स दे दी हैं, ऐसा कंपनी के मेंबर्स बोलते हैं, लेकिन जो इनके ऑडिटर्स हैं उन्होंने कहा है कि इनके जो बुक्स है उसमें बुलियन और ज्वेलरी बिजनेस का भी इसमें डिटेल्स दिया था, और जो उस बुक्स के अंदर कुछ गड़बड़ी हो सकती है। तो उसी के बाद जो कंसर्न्स रेज हुए थे, और जो सेबी है वो भी सतर्क हो गई है, मीन्स वो भी इन्वेस्टिगेट कर सकती है बुक्स के बारे में, उनके अकाउंट्स के बारे में। तो उसी के जो खबर के वजह से सबसे ज़्यादा जो प्रेशर आया है वक्रांजी के ऊपर, अगर वक्रांजी की जो भी बुक्स हैं अकाउंटिंग बुक्स अगर सब क्लियर होती हैं या फिर से अगर इन्वेस्टिगेट करते हैं उसमें कोई डिफ़ॉल्ट नहीं होता है, तो ये जो स्टॉक है फिर से ग्रो करने लग जाएगा। लेकिन अगर इन्वेस्टिगेशन में कुछ ऐसी चीज़ आ जाती है जो इन्होंने छुपाई है सेबी से गवर्नमेंट से, तो इन्हें और दिक्कत आ सकती है। तो वही आज ये सब डिटेल्स यहाँ पे दी गई है, तो आप डायरेक्ट जाकर भी देख सकते हैं मनी कंट्रोल के ऊपर। और ये जो वक्रांजी है और भी मीन्स केंद्र खोलने वाले हैं 2020 तक, काफ़ी सारे खोलने वाले हैं पहले ही इन्होंने कहा है, लेकिन जो मामला है सबसे बड़ा इनके अकाउंट्स को लेकर ही है। अगर इन्वेस्टिगेशन होती है और सब क्लियर रहता है तो ये स्टॉक काफ़ी जिस हिसाब से ये डाउनफॉल हुआ है उस हिसाब से फिर से ये ग्रो कर सकता है। तो इसी के ऊपर, हर चीज़ की न्यूज़ के ऊपर आप अपनी नज़र रखें वक्रांजी के ऊपर, ताकि आपके लिए भी बेहतर डिसीजन लेने के लिए हो सके। तो यही एक न्यूज़ आई थी, तो उसी के बारे में मुझे आपको बताना था। और अगर आपको भी ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि वक्रांजी पहले पीसी ज्वेलर्स और दूसरे बैंक्स से बातचीत कर रहे थे कुछ टाइप्स के लिए, शायद हुई नहीं, तो उसी के बारे में कुछ है तो यहाँ पे देख लीजिए। ऑडिटर स्टार्टेड वर्किंग ऑन फुल ईयर अकाउंट्स एंड फाउंड प्रॉब्लम्स विद द कंपनीज इलेक्शन बुक्स एज वेल एज बुलियन एंड ज्वेलरी बिजनेस, गवर्नमेंट एंड रेगुलेटरी ऑफिशियल सेड। तो ये चीज़ है, खाली अगर ये चीज़ क्लियर हो जाती है तो वक्रांजी फिर से जो है ग्रो कर जाएगा। तो हर एक न्यूज़ पर आप अपनी नज़र रखें ताकि आपकी भी बेनिफिट हो सके। तो आज ये एक न्यूज़ आई थी जो मुझे आपके साथ शेयर करना था, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि ऐसे ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप तक हम पहुंचाते रहें। चलिए, थैंक यू।